स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई आए तो थे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के दौरान रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने, उचित सलाह देने, लेकिन यहां की व्यवस्था देखकर इतने नाराज हुए, जाते जाते सीएमएचओ रीवा आर एस पांडे को बर्खास्त करने की बात भी करने लगे। माना जा रहा है प्रमुख सचिव जिला अस्पताल की अव्यवस्था, संजय गांधी अस्पताल स्थित वायरोलॉजी लैब सहित रिकॉर्ड को लेकर काफी नाराज दिखे। साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर आर एस पांडे की लगातार शिकायतें भोपाल तक पहुंच रही थी, जिसके चलते फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने डॉक्टर आर एस पांडे को बर्खास्त करने की बात भी कह दी। आइए आपको दिखाते हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य फैज अहमद ने जब अपना आपा खोया। आप निकाल दो ना इनको नौकरी से, क्यों रखा हुआ है, क्यों सरकार का पैसा खा रखा है? हमने कब बोला कि क्वारंटीन में डॉक्टर रहते हैं? ऐसे कोई निर्देश है परमानेंट की जरूरत है क्वारंटीन सर? मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आर्मी के पैकेज मिले थे सर, खाली उनका पेशेंट मैंने कहा इसलिए इसको यह काम नहीं है। आई गेट पॉजिटिव पेशेंट मिले ये सीसीसी सेंटर है और इसको सीसीसी सेंटर की तरह चलाइए, समझ में आई आपके बात? और यू वांट मी टू सस्पेंड यू राइट? आपकी ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग हुई क्या बताएं, ये तो पूछ रहा हूं क्या बताया गया? रेफरल मार्कर क्या है, कितने एसपीओ पर आप आगे रेफर करोगे? नाइन्टी फाइव से ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे अभी तक की कितने लोग यहाँ आ चुके हैं? सर टोटल नंबर जिसमें से अभी 21 सब यहाँ से डिस्चार्ज हो गए? नहीं सर, आप यहाँ के इलाज हैं, आप डॉक्टर हैं, कहाँ पहुँचते हैं आप? आपको यहाँ का इंतजार करना है, आप ना तो एसपीओ टू ले रहे हो यहाँ, मुझे तभी दिख रहा है अनलॉक के दूसरे चरण में ज्यादा एहतियात रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।